8:30 बज रहे हैं, आने की वजह क्या है वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं अपने लोगों की जितनी हेल्प कर सकूं वो मैं जरूर करने की कोशिश करता हूं हमेशा। ये सामने ट्विटर पे एक जी ट्रेंड चलाने की कोशिश हो रही है, #PrimeMinisterHelpHelpUs #वकारजका करके आप बात कर सकते हैं, जिसने भी लाइव कॉल पे आना है लाइव कॉल पे बात कर सकता है। और इसी तरह जितने लोग देख रहे हैं आप सबको सबको सलाम, और सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने लोग भी देख रहे हैं आप आके अपनी राय बता सकते हैं, पाकिस्तानी बहुत सारे जो फंसे हुए हैं इधर उधर वो आके अपनी बात कर सकते हैं। मैं फिर ये अर्ज करना चाहूंगा कि हुकूमत पर क्या आप आइडिया देना चाहते हैं वो आके आपने बताना है, और जितने लोग भी आना चाहें बिल्कुल वो आके बात कर सकते हैं। जो लोग इस वक्त यहाँ ट्विटर पर बात कर रहे हैं मैं उनके बारे में आपको बताता चलूँ, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कह रहे हैं जी हम एलए से आए हैं, कभी कोई हमें बता रहा है हम कहीं से आए हैं। मैं जैसे जो मैसेजेस है मैं यहाँ प्ले करता जा रहा हूँ और आपके सामने जो है मैसेजेस आ रहे होंगे। आपको ऑडियो क्लियर आ रही है मेरी, मुझे ये बता दीजिएगा सिर्फ, ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। अब जैसे इन्होंने एक मैसेज डाला है, इस तरह आप अपने मैसेजेस यहाँ दे सकते हैं, अपनी राय यहाँ दे सकते हैं, यूट्यूब पर जहां भी आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं आप इसको शेयर करते जाए, इंस्टा पे अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को बताते जाइए। हेडफोन शो का मकसद ये है कि आपकी हेल्प की जा सके, जितने लोग भी आना चाहते हैं उनको इमरान खान साहब को टैग करके ये ट्वीट करना होगा। ये मैं भी आपको दिखा देता हूँ जी क्या ट्वीट करना होगा आपको। इसी तरह जितने लोग देख रहे हैं मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, ट्रांसमिशन का लिंक काफी सारे लोगों के पास, ये पापा के पास लिंक चला गया है, इसी तरह मोहम्मद हुसैन साहब के पास लिंक गया हुआ है, ये लोग जितने भी देख रहे हैं ये सब लोग यहाँ के बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम कैसे फेस कर रहे हैं आप लोग, किस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को ज्यादा दरपेश है। YouTube.com/वकारजका पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्यों फंसे हुए हैं क्या चक्कर है ये तमाम लोग बता सकते हैं, आपकी जो भी मैसेजेस है मेरी कोशिश होगी यहाँ प्ले करता जाऊँ। स्पेशल फ्लाइट बता रहे हैं फैजान, स्पेशली फ्लाइट इज द ओनली सोल्यूशन, इस तरह जी पहले देखते हैं कौन आके हमसे बात करना चाह रहा है यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं वकार भाई? आवाज ठीक है आ रही आपकी? वकार भाई आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, अपना तारुफ कराइएगा। जी मैं सरमद हूँ नॉर्थ कैरोलिना से। ठीक है, क्या करते हैं आप? वकार भाई मैं पाकिस्तान मूव हो गया था वापस, इट्स ऑलमोस्ट बीन 2 years, तो मैं वैसे ही आया था अपना वो मामलात देखने के लिए, तो सिंस देन मैं यहाँ पे स्टक हूँ। तो अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि पहले एमिरेट्स के साथ टिकट था तो वो वाली फ्लाइट हमारी निकल गई, तो फिर ये था कि एम्बेसी के साथ रबते में थे। अब हमारी ये स्टेज है कि प्रॉब्लम ये है कि जो covid.gov हमारे पाकिस्तान की वेबसाइट चल रही है इसके पीछे या तो इन लोगों को नक्शे की समझ नहीं है या इनको ये नहीं पता कि भाई अपना वॉशिंगटन DC या न्यूयॉर्क या टेक्सस के अलावा भी अमेरिका में बाकी एयरपोर्ट्स भी हैं और पाकिस्तानी रहते भी हैं। मैं नॉर्थ कैरोलिना में हूँ और कई हमारे लोग ऐसे हैं जो अपना मैरीलैंड हो गया, नॉर्थ कैरोलिना हो गया, वर्जीनिया हो गया, शिकागो हो गया, इन जगहों पर रहते हैं। अब एक अजीब सी बीच में कोई कंट्रोवर्सी सी लगती है कि covid.gov पे जो फ्लाइट्स हैं वो मैच नहीं करती कतर के साथ। इन्होंने जोर डाला हुआ है कि जी PIA आएगी तो काम डलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि PIA अमेरिका में डिफॉल्टर है सिंस 2017 और अमेरिका की गवर्नमेंट ने इनको इजाजत नहीं देनी। अब मसला ये है कि जो PIA कनाडा और आगे पीछे से चली है वो ऑलरेडी 1000 से $2000 ओवर द प्राइस है जो वन वे की बनती है। अब इधर लोगों को जुल्फी बुखारी साहब की टीम और ओवरसीज वालों ने और खासकर एम्बेसी और कॉन्सुलेट वालों ने हर कॉल पे ये कहा कि आप कतर से रजिस्टर करा लें, कतर कर रहे जी हम इन्वॉल्व नहीं है। अब हैरानगी की बात और अफसोस की बात ये है कि हमारा जब कोई पॉलिटिशियन आता है या कोई इस तरह बैंड बाजा बजाना होता है तो हमारा कॉन्सुलेट और हमारी एम्बेसी आर वेरी हाइप्ड अप। अब ऐसा मसला है पहली बार तो वो कहते हैं कि जी आप कतर जाने आप जाने। अब कतर के पास सब लोग हमारे पास अपने ग्रुप में राइट अराउंड मोर देन 350 लोग हमारे पास हैं। उसके बाद ऐसे है कि फेसबुक के ऊपर कई लोग हैं और एम्बेसी के पास मोर देन 2000 पीपल आर रजिस्टर्ड जी। अब मसला ये है कि एम्बेसी से बात की जाए तो एम्बेसी कहती है कि आप कतर के पास चले जाएं और कतर आगे फ्लाइट दे देगी। कतर वाले कहते हैं ऑलरेडी पाकिस्तानी है, आपकी गवर्नमेंट हमें जाने दे तो हम आपको ले जाएंगे। और ये जिन फ्लाइट्स का क्रेडिट ले रहे हैं वकार भाई, ये वो फ्लाइट्स हैं जिनमें इंडियन भी जा रहे हैं, ईरानी भी जा रहे हैं, बाकी लोग भी जा रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट इधर क्रेडिट ले रही है। आप बताएं इस सिचुएशन में
जब बच्चे स्टूडेंट्स फैमिलीज, मेरे बच्चे पाकिस्तान में हैं, मेरे वालिद साहब उधर बीमार हैं, मेरे रिलेटिव्स बेचारे आए हुए थे इधर, वो वापस जाना चाह रहे हैं, टिकट्स हमारे उधर फंस गए हैं, अब कोई हाथ पकड़ ही नहीं रहा। सही तो आप बताएं किधर जाए, को सारे समझते हैं अमेरिका में ये ठीक है, इनका रोजी रोटी बहुत अच्छा लगा हुआ है। अब यकीन करें अमेरिका की हालत है कि बिजनेसेस बंद हैं, जिनकी प्रॉपर्टी है बेचारों को किराया नहीं आ रहा है, जिनकी जॉब्स हैं उनको निकाल दिया गया है, घर बैठे हुए हैं सिटीजन। अब मैं सिटीजन था, अब क्योंकि मैं पाकिस्तान मूव हो गया, मेरी इनकम नहीं थी तो हमने टैक्सेस फाइल नहीं किए, तो अब हमारा कोई वो नहीं है कि हमें कुछ हेल्प आउट हो उस तरीके से। तो अब प्रॉब्लम ये है इधर बैठा मैं। और मुझे ये बताइए कि अभी वहां गुजर बसर कैसे कर रहे हैं आप? वकार भैया, प्रॉब्लम ये है इस बार, अब सिचुएशन ये है कि पहले जो टिकट्स आए हुए तो क्रेडिट कार्ड था, पाकिस्तान से पैसे मंगवाने थे तो वो मंगवा रहे थे, अब प्रॉब्लम ये है डॉलर का रेट ट्वाइस इज मच हो गया, पाकिस्तान खुद जैम्ड है। अब मसला आपने ये फ्लाइट आ कौन सी बुक कराई है? गया, आपको पाकिस्तान में जाना कहाँ है? मैंने तो इस्लामाबाद में जाना है, रावलपिंडी। पिंडी जाना है आपने, और फ्लाइट जी कौन सी बुक हुई थी आपकी? मेरी फ्लाइट बुक हुई भी थी वॉशिंगटन की, आज रात को हमने निकलना था। अच्छा, तो आज रात हाँ जी, क्यों कैंसिल हुई है, क्या आपको वजह बताई गई है? वो कतर वाले कहते हैं जी आगे से आप जाने पाकिस्तान जाने, हमें तो कोई वो नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई नया स्केड्यूल निकाल दिया है जुल्फी बुखारी साहब ने। हाँ, वो ये, हाँ ये नजर आ रहा है जो लिखा हुआ सारा, आज डिटेल एक आई है मेरे सामने भी। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि जो अब एक ही तरीका सोशल मीडिया पे, जितने ज्यादा ये वीडियो वायरल होगी उतना ज्यादा उन तक बात पहुंचने का इम्कान होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोग भी हैं उनको लेकर जाऊँ। आप होल्ड कीजिएगा सर, मैं इस वक्त एक और कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम बेटे। जी। फातिमा आप कहाँ से हैं? आप फातिमा जी, आपके यहाँ ताल्लुक कहाँ से है? बेटे, मैं फातिमा की मदर बोल रही हूँ। मैं नॉर्थ कैरोलिना में हूँ, अपनी बच्ची के साथ आई थी। तो मैंने 16 अप्रैल को वापस जाना था एमरिट से, वो भी हमारी भाई कैंसिल हो गई सीट। फिर 24 का कहा बच्चे, फिर 24 की हो गई, फिर 28 का कहा। तो अब बच्चे इधर हम स्टक हुए हैं, 2 महीनों से क्वारंटाइन में है एक तरीके से, वो अंदर बाहर जा नहीं सकते हैं। मैं बेटी के साथ आई थी, और ना पूछो बच्चे, अल्लाह आपको जिंदगी दे कि सुना है तो दिल को खुशी हो, या कि चलो एक उम्मीद एक होप जागी है कि शायद आप हमारा को। मैं मूव हो गई थी 3-4 सालों से यहाँ से, और बच्ची के साथ आना पड़ गया। यहाँ मैं और मेरी बेटी अकेले पाकिस्तान। अच्छा, आप लोगों का ताल्लुक कहाँ से है पाकिस्तान में? मैं लाहौर से हूँ जी, लाहौर कसूर से। अच्छा, यहां से आपने जाना है कसूर, और अमेरिका कब आए थे आप लोग? हम आए थे जी दिसंबर में अच्छा, तो अब जी। वापस जाने के लिए जो टिकट है वो किस एयरलाइन की ली हुई आपने? ये जो कतर आजकल वही एम्बेसी को फोन किया, वो कहते हैं जी सारे वो जो वेबसाइट है, बच्चे नाम नहीं आते इतने, वो उस उन्होंने कहा है कि कतर से करो, कतर वालों का किया है। तो वो बेटी कहती है अम्मी ये जा रही है, 200 रेट ऊपर हो गया। मैंने कहा ले लो बच्चे, अगर ये जा रही है फुल है। वो बेटा ले लिया। तो पहले मैंने उसको, वैसे मेरे दिल ने कहा कि, मैंने कहा ये जो है ना कहीं फ्रॉड ना हो, कैंसिल ना कर दे। वो क्या हुआ कि 3 घंटे बाद जी उस फ्लाइट का नामो निशान ही मिट गया। एम्बेसी को करते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट है आपकी आवाज बेटा। बहुत कम आ रही है, आपकी आवाज माइक के ऊपर हाथ है मेरे ख्याल जी ये हमारी गवर्नमेंट है बच्चे, जो ओवरसीयर्स का कहते हैं कि भाई चलो हर वक्त जब होता था चंदों के लिए तो हम है, अब हमारे पुरसाने हाल कोई नहीं है, खर्चे के लिए हमारा से। खत्म हो गया। जी 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 बताएं 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 बताएं। बेटा अब जो है भाई खर्चा मेरा जो है, अब मैं कहाँ से लूं, मैं अकेली बेटी के साथ हूँ। यहाँ कोई पाकिस्तान से भी इतना डॉलर महंगा हो गया कि अब सबसे बड़ी बात यह है मेरी दवाइयां खत्म हो रही हैं, जी। और मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है बच्चे। अच्छा, वहां पर मेडिकल बहुत महंगा है, ये बात लोगों को शायद ये आम लोगों को नहीं सोचे पता। भी नहीं, मुझे कहती है मैं तो जाने का सोचती भी नहीं हूं कि मैं जाऊं। एक आम जो वो क्या कहते हैं, जो उनके क्लिनिक है जिस पे जाए $200-300 से नीचे तो वो देखते नहीं है, तो हम लोग कहाँ से दें? मुझे ये बताएं, हमें तो कोई सहूलत नहीं है, मैं तो घर के अंदर स्टक हूँ। और ये मेरी गवर्नमेंट है, ये हमसे पैसे ले जो चंदे मांगते हैं, हमारे पुरसाने हाल है कि सिर्फ हम जो दें, हमारे पास तो क्रेडिट पे जो कार्ड है बच्ची का उस पे कर लिए हैं, वो भी उससे पूछती हूँ बच्चे वापस आए हैं पैसे, घर किराए पे बैठा लिया है, अब किराए के भी पैसे नहीं है कि उनको दें।
कि सिर्फ इनको कशकोल दे के मांगना आता है कि दे दो तो अभी तक किसी से राबता हुआ है आपका एम्बेसी में किसी से? बच्चे बच्ची सारी वो ऑनलाइन सारा कुछ करती है, कोई जुल्फी पता नहीं क्या नाम है उसका, उससे भी रहा उधर भी किया है, वो एम्बेसी वालों को भी कोई फोन करते हैं, वो जनाब कहते हैं कि आप कतर एयरलाइन वाले से करो, कतर वालों की जो फ्लाइट है कतर से आगे बच्चे कोई फ्लाइट नहीं है कि वहां कोई आए जाए, जहाज हमारे नहीं आ रहे। जी 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 बताए बताए। उसका 2 महीने का बच्चा है, मैं लेके 20-25 घंटे जाके कतर में कहां रुलूं। अच्छा तो ये किस कोई वजूहात नहीं पता चली कि क्यों रोका हुआ है इस तरह, क्यों आप लोगों को तंग किया हुआ है? बेटा मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो ये इंटरनेट शेट इतना मुझे इस्तेमाल करना आता नहीं है, तो पिया ये कि जो किराए है ना बेटा जी वो इतने ज्यादा $3,000 और पता नहीं कितना कितना बता रहे हैं, और अमेरिका में पिया ये आती नहीं है, टोरंटो से सुनना है $3,000 और पता नहीं कितने $100 में वो लेके गई है, हम जैसे गरीब कहाँ से बच्चे करें, हम पाकिस्तान इसलिए मूव हुए थे कि अपने पाकिस्तान जाए, और पाकिस्तान वाले हमारा ये हशर कर रहे हैं, ये हमारी गवर्नमेंट है, ये नया पाकिस्तान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये साहब कुछ नहीं पता, एम्बेसी बिल्कुल लगता है हमारे जैसे अनपढ़ है। अच्छा मैं चाहता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं ये जुल्फी बुखारी साहब का वेरीफाइड अकाउंट है, इनको ये टैग करते जाएं जो हैशटैग है हमारा, और मैं देखता हूँ कि यहाँ से आपको रिप्लाई देते हैं या नहीं देते, इनको यहाँ पर ये इनका अकाउंट है तो ऑफिशियल अकाउंट पे जरा करते जाएं, इनको रिप्लाई एटलीस्ट दे देना चाहिए कि ये क्यों रिप्लाई नहीं दे पा रहे। मैं आपको अच्छा अभी इस वक्त आप कहाँ पे, सॉरी मैंने मिस कर दिया। बच्चे नॉर्थ कर लेना, ठीक हो गया। अच्छा तो यहाँ से आपको जाना अल्टीमेटली कसूर है जी, लाहौर, लाहौर से आगे है कसूर। अच्छा यहाँ बहुत सारे लोग ये समझते हैं शायद अमेरिका में बड़ी सहूलतें मिली हुई हैं, बड़ी अयाशी होगी आजकल, बड़ा सही सब कुछ रह रहे होंगे। नहीं बच्चे अमेरिका कोई इतना आसान नहीं है, जहाँ दरख्तों से बादाम उतरते हैं, जो हमने भी सुना था अमेरिका बहुत मुश्किल है बच्चे, जो कोई अमेरिका का ऐसा सर्कल है जो कमाओ उन्हीं को गुलाई में वापस जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, टैक्स के चक्कर में सब चीजें वहां वापस जा रही होती हैं जी। तो अभी टिकट कितने की थी आपने? ये बच्चे को मेरा ख्याल है 1200 और कुछ ऊपर था मेरा ख्याल है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर इमरान खान साहब और जुल्फी बुखारी देख रहे हैं, मैं अभी कैमरा आपकी तरफ करता हूं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करूंगी कि खान साहब प्लीज हम भी आपके पाकिस्तानी हैं और अपनी सारा कुछ छोड़ के हम पाकिस्तान मूव हुए थे, मजबूरी में 2 महीनों के लिए आए, स्टक हो गए हैं, हम पर रहम करें और तवज्जा दें कि खुदा के लिए लोग जो है ना अपनी मुल्क के लोगों को फ्री में ला रहे हैं, मगर हमें तो पैसे देके भी आप अपनी फजाई हदूद बंद की हुई है कि हम वापस ना आए, हम किधर जाए जी। चले मैं आप कयामत से कम नहीं है ये चीजें जी, चले बेफिक्र हो जाए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी तरह आपको यहाँ पर ले सकूं, मैं दूसरे लोगों से बात करता हूँ फिर आपकी तरफ वापस आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मैं तो जानता हूँ, बाकी लोगों से जरा तारुफ करा दीजिए अपना। जी वकार भाई, मेरा नाम सज्जाद मदनी है और मैं यहाँ एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया था पाकिस्तान में। मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करता हूँ और कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता हूँ। तो वॉशिंगटन DC में हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसमें शिरकत के लिए 9 मार्च को यहाँ पहुंचा था, 20 मार्च को मुझे वापस पाकिस्तान रवाना होना था, लेकिन आज 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है और हम यहाँ स्टक हैं। मैं विजिट वीजे पे हूँ, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है मेरे पास और अब तक मैं 5 दफा अपनी टिकट करा चुका हूँ लेकिन हर मरतबा वो कैंसिल हो जाती है। अच्छा तो ये मुझे बताएं आपको मसाइल क्या समझ आ रहे हैं कि किस वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है? मैंने फॉलो किया जो हमारे वहां मुईद साहब हैं जो PIA और एविएशन सेक्टर को देख रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हमारी सबसे पहली तरजीह है कि हम खलीजी ममालिक में जो लेबर तबका हमारा मौजूद है हम उनको लाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह रोजाना फ्लाइट्स पहुंच रही हैं, इस्लामाबाद भी, कराची भी, लाहौर भी, दुबई से, कतर से, सऊदी अरेबिया से, हजारों पाकिस्तानियों को लाया जा चुका है, लेकिन उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि उनको लगता है कि अमेरिका में मौजूद लोगों के पास तो बहुत पैसे हैं, वो गुजारा कर सकते हैं, तो लिहाजा उन्हें हम कभी बाद में फिर जो है ना मौका देंगे। तो ये जरा क्लियर कर दें लोगों को कि क्या क्या मसाइल दरपेश है। और आप पाकिस्तानी सिटीजन है? जी मैं पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, मैं यहाँ एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए विजिट पे आया था। तो यहाँ पर फिर गुजर बसर अब कैसे हो रहा है आपका?
बहुत मुश्किल से हो रहा है। आप सोचें कि यहाँ अगर एक दिन का $100 भी खर्चा हो रहा हो तो अब तक 1.5 महीने में तकरीबन कोई $4,500 से ज्यादा जो है वो खर्च हो चुके हैं। और यहाँ पे बहुत मुश्किल है वकार भाई, बहुत मुश्किल है। इलाका कौन सा जहां पर आप हैं? मैं इस वक्त वर्जीनिया में हूँ, जो वॉशिंगटन डीसी के बिल्कुल करीब एक स्टेट वहां लॉकडाउन है पूरा। है जी। लॉकडाउन है, हम यहाँ बाहर नहीं निकल सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, हम स्टक हैं अपने कमरे तक। और इसके अलावा जो है वो डर लगा रहता है। पिछले दिनों में 5 दिन बीमार पड़ा रहा यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ हॉस्पिटल जाते हैं, वो आपसे मेडिकल इंश्योरेंस मांगते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपका कार्ड कहाँ है, वो आप दें। मेरे पास नहीं था, तो मुझे पता चला कि अगर मैं वैसे चेक करवाऊंगा तो तकरीबन कोई $10,000-12,000 तो ये मेरा बिल बना देंगे। तो मैंने फिर दवाई ही नहीं ली। मैंने पाकिस्तान डॉक्टर एक दोस्त को फोन किया, उन्होंने मुझे जो दवाई बताई वो यहाँ मिलती नहीं है काउंटर के ऊपर। वो कहते हैं कि जी आप पहले डॉक्टर से लिखवा के लाएं। तो फिर मजबूरन जो है वो, मुझे तो पहले खौफ महसूस हुआ कि शायद मुझे कोरोना हो गया है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र हुआ कि फिर किसी दोस्त ने हेल्प की, मेरे बैग में से कोई पैराडॉल वगैरह निकल आई, वो मैंने खाई तो मेरी कुछ तबीयत संभली। तो हम मुसलसल 1.5 महीने से पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ रابطे में है, और ये सोच के कि यार एक जिम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से हमें सब्र करना चाहिए। हमारी हुकूमत मुश्किल में है, ये कोई नॉर्मल टाइम नहीं है। हमने बहुत सब्र किया है, लेकिन अब जो है वो सब्र के पैमाने जवाब दे चुके हैं। हमें रोज यहाँ पे जो है ना कहा जाता है कि जी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये कर लें वो कर लें। लेकिन अब यहाँ मौजूद हमारे सफीर पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि भाई आप अपने ओन पे टिकट बुक करा लें, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। अब हम वो कतर एयरवेज फोन अच्छा, करते हैं कि हमारी हुकूमत ने कहा है कि फुलां फुलां डेट्स को हमने स्पेशल फ्लाइट अरेंज की हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे इल्म में नहीं है, आप अपनी एम्बेसी से रब्ता करें। एम्बेसी वाले हमें कतर एयरवेज के पास भेजते हैं, और हम यहाँ बीच में जो है ना वो लटक के रह गए। कोई सॉल्यूशन समझ आ रहा है आपको? हजरत सॉल्यूशन कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये जस्ट कुछ दिनों के लिए अपनी फजाई हुदूद खोल दें। जब आपने अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर खोल दिए हैं, आपने ईरान के साथ खोल दिए हैं, आप गल्फ से आने वालों को अलाउ कर रहे हैं कि वहां से माशाल्लाह हजारों पाकिस्तानी रोजाना वापस आ रहे हैं, तो ये अमेरिका में फंसे 1,000-2,000 पाकिस्तानी क्या कर लेंगे बेचारे। यही वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा काम आते हैं आपके, जो हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल घड़ी में आपको रेमिटेंस भेजते हैं, यहाँ से आपको हथियार भेजते हैं, जिन्होंने शौकत खानम बनाया है और जिन्होंने माशाल्लाह मुल्क की तरक्की में इतना बड़ा किरदार अदा किया है, आप उन्हें इतने बुरे तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जो है वो हमारी खबरगिरी करने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा मुश्किल हालात है वकार भाई। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि कम से कम आपने हमारी आवाज सुनी, हमें हमारी आवाज को आप आगे पहुंचा रहे हैं। हम तो बेबस हो गए थे। ये अभी 2-3 दिन हुए हम लोगों ने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, एक दूसरे से रابطे में आए हैं कि चलें कुछ किया जाए। और आप वो पहले पाकिस्तानी हमारे शोबिस से वाबस्ता सेलिब्रिटी हैं कि जिन्होंने हमारी आवाज सुनी। हमने बहुत सारे बड़े बड़े साफियों को मैसेजेस किए हैं, उनको यहां से हमने फोन करने की कोशिश की है, लेकिन हमें किसी ने रिप्लाई नहीं किया। नहीं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। ये एक मीटिंग हो जाती है ना, अब सब अप्रोच करेंगे, सबके पास नंबर वगैरह, मैं खुद भी रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया पे जितना ज्यादा उठा सकते उठाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा, एक तो अभी हम शो कर रहे हैं, एक हम रात को जब पाकिस्तान में 11 बजे लोग जाग रहे होंगे ना, तब हम दोबारा करेंगे। मैंने कहा एक दफा जरा आप लोगों के टाइम पे कर लें, क्योंकि 11 जब बज रहे होंगे तो वहां पर सुबह के आई थिंक तो टाइम हो रहा होगा, ये दोपहर का टाइम हो रहा होगा। जी, अगर आपके यहाँ रात के 11 होंगे तो यहाँ पे दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे होंगे। मैं चाहूंगा कि देखें, जितने भी अभी लोग जाग रहे हैं ना, उनको आपने बोलना है कि ये प्राइम मिनिस्टर हेल्प अस और इमरान खान को टैग करना है, और दूसरा जो है ये जुल्फी बुखारी साहब जो है, ये इनका ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर के ऊपर ये हर किसी को एक्टिव होता है, जवाब देना पड़ता है। तो ये यहाँ पर जो है आपके जितने लोग हैं ना, ये जो अभी हम लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इसका यूट्यूब का लिंक उठा के आप यहाँ इनको पेस्ट करते जाए, यहाँ इनको लगाते जाए, और ये ताकि जो है ना इनको टैग करें, इनको टैग करेंगे तो फिर काम बनेगा, वरना फिर काम जो है ना इतना अच्छा हो नहीं सकेगा। ये अभी मैं अब ये नहीं करूंगा कि एक आध एपिसोड बना के खत्म कर दिया, मेरी कोशिश होगी कि आपकी जब तक ये मसला मसला हल नहीं होता तो इस पर बात थोड़ा बहुत करते रहे, ताकि जल्दी से जल्द इस पर हल हो। मैं आपसे भी बात करता हूँ और लोगों से भी, अभी और लोग आपको अपना आखिरी एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी करे 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 देखें, हमें हमारी एम्बेसी की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने covid.gov.pk पे कुछ फ्लाइट की लिस्ट जो है वो पोस्ट की है, आप वहां जाएं और जो फ्लाइट वहां पे शो हो रही है आप उसमें खुद से बुकिंग करा लें। हम जब वहां जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि जनाब
2 मई को एक फ्लाइट है वॉशिंगटन अपना दोहा कतर से इस्लामाबाद के लिए, ठीक है। अब हम जी जब एयरवेज की वेबसाइट पे जाके बुक करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे वो फ्लाइट शो ही नहीं हो रही, वहां पे वो है ही हाँ नहीं बुक के लिए। और जब हम कतर एयरवेज के पास कॉल करते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि जी 2 मई को इस्लामाबाद के लिए, 3 मई को मुल्तान के लिए, 7 मई को पिशावर के लिए, 9 मई को कराची के लिए फ्लाइट है, आपकी वेबसाइट पे शो नहीं हो रही। तो वो कहते हैं कि जी हमें इस मामले का कोई इल्म नहीं है, हो सकता है ये स्पेशल फ्लाइट्स हों, आप अपनी एम्बेसी से रब्ता करें। एम्बेसी वाले कहते हैं नहीं नहीं आप कतर वालों से रब्ता करें। तो ये दोनों के बीच में जो है ना वो हम परेशान होकर रहे हैं। 5 दफा मेरा टिकट जो है वो मैंने बुक करवाया, फिर कैंसिल हो जाता है, फिर कुछ फेयर डिफरेंस पे करके। जाहिर सी बात है कि मैं कोई मिलीनियर या बिलीनियर नहीं हूँ, मैं एक मजहबी स्कॉलर हूँ, आपके इल्म है, पाकिस्तान में महदूद वसाइल में मैं रहता हूँ। अगर जी मुझे जी यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ने टिकट दे के बुला लिया तो मैं तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। और यहाँ सैकड़ों लोगों की स्टोरी मुझसे मिलती जुलती है, तो खुदारा इस बात को जो है वो यकीनी बनाए कि हम जो है वो इस कंफ्यूजन से बाहर आए, हमें पता हो कि हमने कतर से राबता करना है या पाकिस्तानी हुकूमत से राबता करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी मैं बाकी और भी लोगों से बात करता हूँ, आपकी तरफ वापस आता हूँ ताकि और लोगों से बात कर सकूँ। मैंने ये भी बताया है आपको, ये जुल्फी बुखारी साहब का है एक नंबर जो मैंने आपको ट्विटर पर बताया, इस पे सब लोग करें बात, ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपके बाद और लोग जो वेट करें। अस्सलाम वालेकुम। डे टाइम ओके वी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम आर वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना तारुफ कराएगा। मेरा नाम यासिर है और मैं कैलिफोर्निया में हूँ। बाकी तो लोग काफी विजिट वीजा पे आए हुए थे, मैं यहाँ पे H1 वीजा पे था, मैं यानी कि जॉब कर रहा था। जी, लेकिन जैसे बिजनेसेस सारे क्लोज हुए हैं और तकरीबन 2-4 मिलियन अमेरिकन जॉबलेस हुए हैं, उसी तरह हमें भी अनपेड लीव के ऊपर डाल दिया गया था, जो कि अभी कुछ नहीं पता कि कितना अरसा लगेगा और ये सारा बिजनेस दोबारा स्टार्ट होगा। मेरी जो सीट थी वो थी 24 मार्च को, उसके बाद जी। 1 महीने से ज्यादा गुजर गया, इन्होंने फ्लाइट्स बंद कर दी थी और एम्बेसी में तमाम कॉन्सुलेट में तमाम लोगों से कई दफा बात कर चुके हैं, ईमेल कर चुके हैं उनको, जिसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं तो जी ये जी ईमेल भी खुली हुई है साथ, यानी जो कि आपने हर जगह रिप्लाई, हर जगह अप्रोच करके देख लिया है। जी हर जगह अप्रोच करके देख लिया, अच्छा लेकिन जी, कहीं से कोई जवाब नहीं आया। एम्बेसी वाले कहते हैं कि आप एयरलाइन से राबता करें। हम लोग एयरलाइन की जिम्मेदारी नहीं है, एयरलाइन ऑपरेशन नहीं स्टार्ट कर सकती जब तक ये लोग अलाउ ना करें। सिविल एविएशन की साइट के ऊपर मेन पेज के ऊपर सबसे ऊपर न्यूज आ रही है कि ये लोग किसी भी एयरलाइन को अलाउ नहीं कर रहे, पाकिस्तान सही, गवर्नमेंट। ठीक है। उसकी वजह से जो भी एक आध कोई फ्लाइट जाती है, यानी कि पिछले 1.5 महीने के अंदर 2 फ्लाइट्स गई हैं सिर्फ, जो यूएसए से गई हैं। यहां से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं पाकिस्तान जाती, रास्ते में कहीं ना कहीं ट्रांजिट होता है जहां से रिफ्यूल होता है या चेंज होते प्लेन। जी, तो बताएं अभी बताएं। जो इशू है वो सबसे बड़ा ये है कि ये लोग अलाउ नहीं कर रहे फ्लाइट्स को वहां पे पाकिस्तान के लिए। इस वक्त सिर्फ दुनिया में 2 एयरलाइन है, गल्फ एयर है और कतर एयर है जिसका ऑपरेशन चल रहा है। टर्किश एयर बंद है, एमरेट्स बंद है, बाकी तमाम एयरलाइन ने अपना पूरा फ्लीट ग्राउंड कर दी है। जी यूएसए ने पूरी दुनिया से अपने बंदे बुला लिए, टर्की ने बुला लिए, इंडिया ने, तकरीबन हर मुल्क ने। ये एक दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसने अपने बंदों को वहीं पे छोड़ा हुआ है। यानी कि दुबई और पाकिस्तान की फ्लाइट 1-1.5 घंटे से ज्यादा की नहीं है, लेकिन वहां से भी सिर्फ 6-8 पैसेंजर को लेके फ्लाइट आई है। अगर आप इसकी कोरोना जीओवी की साइट पे जाते हैं और वहां पे जाके जब फ्लाइट स्टेटस देखते हैं और उधर पैसेंजर देखते हैं, एक तो ये कहते हैं कि हजारों बंदा एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है, उसके बावजूद फिर आप वहां से 6 बंदे बिठा के फ्लाइट लेके आ रहे हैं पीआईए की। वो भी एम्बेसी वाले कभी कहते हैं कि पीआईए की फ्लाइट अमेरिका आएगी, यहां पे पीआईए की फ्लाइट नहीं आ सकती क्योंकि पीआईए डिफॉल्ट है यहाँ पे, यहाँ पे कोई जी पीआईए की फ्लाइट नहीं आती जब तक उनका जी वो मसले मसाइल हल नहीं होते। समझ अभी तकरीबन गया। 2 महीना इन्होंने इसी तरह कहानियां करते हुए कर दी है, कोई सही जवाब नहीं है।
आप तकरीबन हर जगह पे ईमेल कर चुके हैं। मसले का हल अगर एम्बेसी चाहे वो चार्टर फ्लाइट भी यहाँ से करा सकती है। 3.5-4 लाख डॉलर की एक फ्लाइट होती है जिसमें 300 से जी 350 बंदा होता है, जी जी जो कि अभी कतर एयरलाइन के 2600 और 3000 डॉलर से बहुत कम पड़ती है। तकरीबन 1400-1500 डॉलर पर टिकट पड़ता है वो एक बंदे को। समझ गया समझ लेकिन ये लोग गया। सीरियस नहीं है। आप इनसे ये पूछ लें कि प्लान क्या है। मैं 1.5 महीने से सिर्फ इनसे ये प्लान पूछ रहा हूं कि किस तरीके से आपने एग्जीक्यूट करना है। 1.5 महीने में पूरी गवर्नमेंट, तमाम मशीनरी, तमाम कॉन्सुलेट, एम्बेसी, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सही। सिंपल अच्छा ये, एक अगर और बैन अगर खत्म करें या तो ये तमाम जितने लोग इन्फेक्टेड हैं उन सारों को उठा के समंदर में फेंक दें, क्योंकि अभी ये यही कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, ये सारे सर छुपा के बैठे हैं। जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इमरान खान साहब को, जुल्फी बुखारी साहब को? मैं उनको सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप सिर्फ फ्लाइट ऑपरेशन खोल दें, पाकिस्तानियों के लिए खोल दें, ताकि हम सारे जो भी कमर्शियल एयरलाइन और फ्लाइट्स हैं उनके ऊपर टिकट लें और इज्जत से अपने घर पे आए। क्योंकि 2-3 महीने और गुजरने, जिस तरह बहुत सारे लोगों के साथ सेहत के मसले, मेडिसिन के मसले हैं, जॉब के मसले हैं, स्टूडेंट्स जो हैं जो कि इधर काम भी करते थे और अपनी पढ़ाई भी करते थे, वो अब नहीं कर रहे उस तरीके से, तो सिचुएशन बुरी से बुरी होगी। 2 महीने हो गए लोगों को यहाँ पे फंसे हुए और हालात मजीद बुरे हो जाएंगे। चले, बाकी मैं ये बताना चाहूंगा, जितने जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहूंगा कि और लोगों को भी हम ले रहे हैं। ये यहाँ पर आपको मैंने आसान कर दिया थोड़े लोगों। आपने क्या करना है, ट्विटर पे जाने के बाद जो है ये जका वकार के नाम से जो अकाउंट है इस पे जाना है। ये जो है मैंने जुल्फी बुखारी साहब को टैग कर दिया, इमरान खान साहब को टैग कर दिया। अब इसके जिस तरह रीट्वीट और इस पे कमेंट्स बढ़ते जाएंगे ना, तो इनको खुद होता है हाँ यार मीडिया के इस बंदे के इस इशू को लोग बार बार कर रहे हैं। तो आप जितना इसे रीट्वीट करेंगे, जहां जितना जो भी आपका मैसेज सजेशन है वो आप वकार जका के इस अकाउंट पे जाके यहां पोस्ट करना शुरू कर दें, तो यकीनी तौर पर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आज कुछ ना कुछ रिप्लाई है तो जरूर इस पे आएगा। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे पास और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, वकास ऑडियो बंद है आपकी, ऑडियो नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, अच्छा यहां पर मेरे ख्याल से जितने लोग भी यहां आए हुए हैं लॉगिन किए हुए, मैं जरा कैमरा अपने सामने स्टैटिक रख लीजिए, उसे हिलाए नहीं, और म्यूट पे फौरन हटा दिया करें। दूसरी बात यह है कि जितने लोग भी देख रहे हैं youtube.com/वकारजका पर जहां आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन, फेसबुक वगैरह से हम बंद कर रहे हैं क्योंकि लोड मेरे ख्याल से पड़ रहा है तो उसकी वजह से नहीं आ पा रहा। तो सिर्फ youtube.com/वकारजका पे हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसमिशन को। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, ये लोग हमारे ही लोग हैं, ये फंसे हुए हैं इस वक्त अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में रहने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि इनके पास जी कोई पता नहीं कहां से कोई मौकिलात लाकर इनके मसाइल हल कर देते हैं। ये हमसे ज्यादा परेशान है। अमेरिका में जो इस वक्त मसाइल है वो पाकिस्तान से ज्यादा है, क्योंकि वहां पर क्रेडिट हर चीज चल रही होती है और सब कुछ उधार क्रेडिट पे चलने की वजह से जो मसाइल आ रहे हैं वो आप सब नहीं समझ पाएंगे। तो मैं जितना रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि ये जो मैंने अभी ट्विटर पे पोस्ट किया है इसको रीट्वीट करते जाएं। जो लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं वो ही इस बात पे बात करें। जितने लोग भी देख रहे हैं जी यहाँ पर, मैं यूट्यूब के ऊपर अब कंटिन्यू करूंगा ताकि आप बात जो है क्लियर हो जाए। ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, मैं हर जगह से बंद कर रहा हूँ। यूट्यूब पे ताकि इनकी कॉल जो है वो मिल सके सही तरह।